कहता आया हूँ सदा कहता रहूँगा आसिफ, कोई अब्बास सा दुनिया में वफ़ादार नहीं। हजरत, जब मेरे पास पहली मर्तबा टेलीफोन किया था हमारे अब्बास भाई ने यहाँ की महफिल के सिलसिले में, तो उन्होंने मुझे एक हुक्म दिया था कि मिसरा नोट कर लीजिए और कुछ शेर आप भी सुना दीजिएगा। तो मैंने तरही कलाम में मैं एक मतलब दो तीन शेर पेश करके अपनी हाजिरी, उसके बाद एक अपनी फहरिस्त का अच्छा शायर आपके हवाले कर दूँ, हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाएंगे। मिसम भाई देखिएगा, नज़ीर भाई इजाज़त, मतलब हाजिर कर रहा हूँ जी। ये अब्बास भाई का हुक्म है, इसलिए उनके हुक्म, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए भैया सुना, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। कोई अब्बास सा दुनिया में वफ़ादार नहीं, मैं मतलब पेश कर रहा हूँ कि जिनमें सच्चाई नहीं वो मेरे अशार नहीं। समा फरमाएंगे, जिनमें सच्चाई नहीं वो मेरे अशार नहीं। दूसरा मिसरा खास तवज्जो का तालिब हूँ, ये ज़रा से ये चहल पहल थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए प्लीज़, हाथ गुजारिश है आपसे, मैं शेर का खून हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा सा अर्ज करता हूँ, देखिएगा देखिएगा। जिनमें सच्चाई नहीं वो मेरे अशार नहीं, मेरा मौला किसी अफसाने का किरदार नहीं। जिनमें सच्चाई नहीं वो मेरे अशार नहीं, मेरा मौला किसी अफसाने का किरदार नहीं। क़िबला शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, समाज सुनाएंगे। मेरा मौला किसी अफसाने का किरदार नहीं, ऐसे मज़हब के तसव्वुर से भी मुझको है गुरेज, ऐसे मज़हब के तसव्वुर से भी मुझको है गुरेज, जिसके दामन में कोई मीसम तम्मार नहीं। ऐसे मजहब के तसव्वुर से भी मुझको है गुरेज, ऐसे मजहब के तसव्वुर से भी मुझको है गुरेज। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसको फेयर भी नहीं किया, मैं रफ ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, जैसे मर्जी है सुन लीजिए। ऐसे मजहब के तसव्वुर से भी मुझको है गुरेज, जिसके दामन में कोई मीसम तम्मार नहीं। शेर अर्ज कर रहा हूँ खास तौर से आपकी नज़र, इसलिए कि आप सहाफत से जुड़े हुए हैं, खास तौर से मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो। कि ऐसे मजहब के तसव्वुर से भी मुझको है गुरेज, जिसके दामन में कोई मीसम तम्मार नहीं, कि वो जो इंसान को इंसान बना देती है, वो जो इंसान को इंसान बना देती है, उन किताबों का यहाँ कोई खरीदार नहीं। वो जो इंसान को इंसान बना देती है, उन किताबों का यहाँ कोई खरीदार नहीं, उन किताबों का यहाँ कोई खरीदार नहीं, कि जिसने दौलत के लिए आज सियासत की है, जिसने दौलत के लिए आज सियासत की है, साहिबे तख्त तो है साहिबे किरदार नहीं। जिसने दौलत के लिए आज सियासत की है, जिसने दौलत के लिए आज सियासत की है, साहिबे तख्त तो है साहिबे तख्त तो है साहिबे किरदार नहीं, साहिबे तख्त तो है साहिबे किरदार नहीं। हजरत आखिरी दो शेर, वल्ला मुझे ऐसे ही खामोशी के माहौल में अगर मैं पढ़ ले जाऊँ, बस मिसरे में पहुँचा ले जाऊँ, मेरी ये ख्वाहिश है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मनकबत का कीमती शेर पेश कर रहा हूँ, नज़ीर भाई देखिएगा, अर्ज़ करता हूँ कि जिसने दौलत के लिए आज सियासत की है, साहिब तख्त तो है साहिब किरदार नहीं। ऐ मुसलमानों, वही असल में मुस्लिम है जिसे, ऐ मुसलमानों, क़िबला दूसरे मिसरे पे खास तवज्जो, ऐ मुसलमानों, वही असल में मुस्लिम है जिसे शहर में कोई जगह देने को तैयार नहीं। ऐ मुसलमानों, वही असल में मुस्लिम है जिसे, ऐ मुसलमानों, वही असल में मुस्लिम है जिसे शहर में कोई जगह देने को तैयार नहीं, शहर में कोई जगह देने को तैयार नहीं, कि आले अहमद की जबां कौन बदल सकता है, आले अहमद की जबां कौन बदल सकता है, हर्फ आखिर है अगर कह दिया एक बार नहीं। आले अहमद की जबां कौन बदल सकता है, आले अहमद की जबां कौन बदल सकता है, अदब, आले अहमद की जबां कौन बदल सकता है, हर्फ आखिर है अगर कह दिया एक बार नहीं।
आले अहमद की जबान कौन बदल सकता है। हर्फ आखिर है, अगर कह दिया एक बार नहीं, मख्ते के साथ आखिरी दो शेर, उसके बाद इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी फहरिस्त का एक अच्छा शायर आपके हवाले करूँगा। आखिरी में दो शेर अब मख्ते के साथ सुन लीजिए कि आले अहमद की जबान कौन बदल सकता है। हर्फ आखिर है, अगर कह दिया एक बार नहीं, ऐ सकीना ये तेरी मश्क से कहता है अलम, ऐ सकीना ये तेरी मश्क से कहता है अलम, कोई अब्बास सा दुनिया में वफादार नहीं है। ऐ सकीना ये तेरी मश्क से कहता है अलम, ऐ सकीना ये तेरी मश्क से कहता है अलम, ऐ सकीना ये तेरी मश्क से कहता है अलम, ऐ सकीना ये तेरी मश्क से कहता है अलम, आदाब आदाब आदाब, ऐ सकीना ये तेरी मश्क से कहता है अलम, कोई अब्बास सा दुनिया में वफादार नहीं, कोई अब्बास सा दुनिया में वफादार नहीं, कोई अब्बास सा दुनिया में वफादार नहीं। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, शायद इसमें भी कोई रुख हो, समाज फरमाएंगे कि खोल दी बात ये फतवों की जबान अरशी, खोल दी बात ये फतवों की जबान अरशी, खोल दी बात ये फतवों की जबान अरशी, मुफ्तीए शहर शहीदों का आजादार नहीं, खोल दी बात ये फतवों की जबान अरशी, खोल दी बात ये फतवों की जबान अरशी, मुफ्तीए शहर शहीदों का आजादार नहीं, मुफ्तीए शहर शहीदों का आजादार नहीं। मौला हुसैन के हवाले से अभी आप हजरात के दरमियान गाजी अब्बास के हवाले से कुछ शेर पेश कर रहा था। लीजिए, ये जो आइसक्रीम का सिलसिला शुरू किया गया है, मैं इसमें कतई कोई मुदाखलत नहीं करता, बिल्कुल अच्छी बात है, बस एक गुजारिश ये कि जल्दी जल्दी तकसीम कर दीजिए, और इसलिए कि मैं अपनी फहरिस्त का बहुत ही कीमती शायर मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। हाँ, ज़रा सा आप हजरात ये सब जल्दी जल्दी तकसीम कर दीजिए, उतनी देर में मैं जाहिर नाज़िम जो होता है वो कुर्बानी पेश करने के लिए होता है, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। चलिए, अगर सिलसिला हो गया हो तो एक सलवात भेज दीजिए। मिलजुल के एक बार बुलंद तरीन सलवात भेजिए। मिसम भाई आइसक्रीम खाते रहिए, वल्ला मैं कुछ कोई मुझे इससे दिक्कत नहीं है, मगर बोल उठिएगा, मैं खाके करबो बला पर यकीन रखता हूँ। चचा देखिएगा, नाज भाई देखिएगा, मतलब बहुत कीमती मतलब पेश कर रहा हूँ, मैं खाके करबो बला पर यकीन रखता हूँ, जमींदार न होकर जमीन रखता हूँ। मैं खाके कर्बला पर यकीन रखता हूँ, जमींदार न होकर जमीन रखता हूँ, बुतों को ताक पे रखना मेरा शियार नहीं, बुतों को ताक पे रखना मेरा शियार नहीं, मैं ला मकान को दिल में मकीन रखता हूँ, बुतों को ताक पे रखना मेरा शियार नहीं, मैं ला मकान को दिल में मकीन रखता हूँ। यार मुझे पता होता कि आइसक्रीम खाने के बाद इतनी ज़्यादा दाद मिलेगी तो मैं पहले खिलवा देता आइसक्रीम, खुदा की कसम। बुतों को ताक पे रखना मेरा शियार नहीं, मैं ला मकान को दिल में मकीन रखता हूँ। शेर हाजिर कर रहा हूँ कि हर इम्तिहान से गुजरता हूँ या अली कहकर, मेरा शेर है लेकिन आप सबकी जानिब से पेश कर रहा हूँ, इसका काफिया देखिएगा नजीर भाई। बुतों को ताप पर रखना मेरा शियार नहीं,
मैं लामकान को दिल में मकीन रखता हूँ, हर इम्तिहान से गुजरता हूँ या अली कहकर, ये एतबार भी कितना हसीन रखता हूँ। हर इम्तिहान से गुजरता हूँ या अली कहकर, ये एतबार भी कितना हसीन रखता हूँ, ये एतबार भी कितना हसीन रखता हूँ। अली हैं मेरे वली और मेरी नजर बहलोल। दूसरा मिसरा अगर लग गया हो तो नजीर भाई आपकी दुआएं चाहूंगा। देखना सलीम, अली हैं मेरे वली और मेरी नजर बहलोल। अगर दूसरा मिसरा लग गया हो तो आइसक्रीम का हक अदा कर दीजिए। अगर दूसरा मिसरा लग गया हो तो, अली है मेरे वली और मेरी नजर बहलोल, जहीन हूं तो अदा भी जहीन रखता हूं। अली है मेरे वली और मेरी नजर बहलोल, अली है मेरे वली और मेरी नजर बहलोल, जहीन हूं तो अदा भी जहीन रखता हूं, जहीन हूं तो अदा भी जहीन रखता हूं। और फिर ये शेर हमारे मीसम भाई की नजर कर रहा हूं कि जहीन हूं तो अदा भी जहीन रखता हूं, ये फैज़े मीसमे तमार है खुदा की कसम। काफिया देखिएगा सभी भाई, काफिया देखिएगा, ये फैज़े मीसमे तमार है खुदा की कसम, जो मनकबत की ज़बान बेहतरीन रखता हूँ। ये फैज़े मीसमे तमार है खुदा, ये फैज़े मीसमे तमार है खुदा की कसम, जो मनकबत की ज़बान बेहतरीन रखता हूँ, जो मनकबत की ज़बान बेहतरीन रखता हूँ। आखिरी दो शेर, आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी है, बस शेर और एक शेर मक्ता, उसके बाद फेरिश्ता का तरन्नुम का बेहतरीन शायर आपके हवाले। जो मनकबत की ज़बान बेहतरीन रखता हूँ, इस शेर ने थोड़ी सी मेरी पहचान बना दी है। मैं वो शेर पेश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मुअर्रिख यजीद लिखता है, जहाँ जहाँ पे मुअर्रिख यजीद लिखता है, वहाँ वहाँ पे मैं लफ्ज़े लईन रखता हूँ। जहाँ जहाँ पे मुअर्रिख यजीद लिखता है, जहाँ जहाँ पे मुअर्रिख यजीद लिखता है, जहाँ जहाँ पे मुअर्रिख यजीद लिखता है, अदा अदा, जहाँ जहाँ पे मुअर्रिख यजीद लिखता है, वहाँ वहाँ पे मैं लफ्ज़े लईन रखता हूँ, वहाँ वहाँ पे मैं लफ्ज़ लईन रखता हूँ। एक शेर पेश करूँ और ये महसूस कीजिएगा कि ये मैंने नहीं कहा है बल्कि ये बात आप भी कह रहे हैं। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ कि तुम्हें मिला न कोई सिलसिला रसूल के बाद, तुम्हें मिला न कोई सिलसिला रसूल के बाद, मैं जानशीन का एक जानशीन रखता हूँ। तुम्हें मिला न कोई सिलसिला रसूल के बाद, तुम्हें मिला न कोई सिलसिला रसूल के बाद, मैं जानशीन का एक जानशीन रखता हूँ। आदा, तुम्हें मिला न कोई सिलसिला रसूल के बाद, मैं जानशीन का एक जानशीन रखता हूँ, और मैं पूछता नहीं गैरों से रास्ता अर्शी, मैं पूछता नहीं गैरों से रास्ता अर्शी, खुदा का शुक्र है अपना मोइन रखता हूँ। मैं पूछता नहीं गैरों से रास्ता अर्शी, खुदा का शुक्र है अदा अपना मोइन रखता हूँ। ये जो थोड़ी सी मैंने आपका वक्त ले लिया, और मैं शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा कि दौरान आइसक्रीम महफिल का मिजाज कहीं से ख़राब नहीं हुआ, वही खूबसूरत दादो तहसीन मिलती रही। मैं शेर पेश करता रहा, आइए अज़ीज़ान गिरामी, मैं इसी खूबसूरत माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए गुजारिश गुजार हूँ सलीम बलरामपुरी की खिदमत में माइक पे तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश करें।